बड़गढ़ से हमारे संवाददाता इरशाद आलम की रिपोर्ट। दो माओवादी कमांडरों ने किया आत्मसमर्पण। गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ के इलाके में टॉप माओवादी कमांडर संतु भुइयां, जबकि शकरबंधा के इलाके में टॉप माओवादी कमांडर राजेश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया। संतु भुइयां पर झारखंड की सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। बुधवार को आयोजित एक समारोह में पलामू रेंज के आईजी राजकुमार लकड़ा, पलामू डीसी ए दोडे, पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा, गढ़वा एसपी अंजनी कुमार झा, सीआरपीएफ 134 बटालियन के कमांडेंट सुरेश कुमार के समक्ष दोनों टॉप माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। संतु भुइयां को बचपन में उठा ले गए थे माओवादी। संतु भुइयां पलामू जिले के नोडिया बाजार थाना क्षेत्र के सियरभोका गांव का रहने वाला है। संतु ने पुलिस के अधिकारियों को बताया कि 2004 में वो भाकपा माओवादी में शामिल हो गया था। इस दौरान वह 12 वर्ष का था। टॉप माओवादी कमांडर आर के उर्फ अनुराग उस गांव में पहुंचा था और गांव से 5 लड़कों की मांग की थी। पार्टी और गांव वालों के कहने पर वह और उसका दोस्त भोला भुइयां नक्सली दस्ते में शामिल हो गया था। चंदू के चाचा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। चाचा ने भी संगठन में शामिल होने का दबाव बनाया था। दस्ता में कुछ दिन सक्रिय रहने के बाद वह भाग गया था। बाद में माओवादी उसके घर पे पहुंचे और जमीन पर खेती करने से परिवार को रोक दिया। माओवादियों के दबाव में वो एक बार फिर से नक्सली संगठन में शामिल हो गया। बाद में वह माओवादियों का सब जोनल कमांडर बन गया। दर्जनों बड़े हमले के आरोपी है। संतु भुइयां पर झारखंड और बिहार में दर्जनों बड़े नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोप है। पलामू पुलिस ने छतरपुर के एक नक्सल हमले के मामले में संतु भुइयां को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संतु भुइयां 2012 तक झारखंड बिहार सीमा, जबकि 2012 के बाद से बूढ़ा पहाड़ में सक्रिय था। 2012-13 भंडरिया के तत्कालीन थानेदार पर हमला करने का आरोप संतु भुइयां पर है। इस हमले में थानेदार समेत 13 पुलिस जवान शहीद हुए थे। पत्नी के कैंसर का इलाज करवाने के लिए नक्सली बना था राजेश। आत्मसमर्पण करने वाले टॉप माओवादी कमांडर राजेश ठाकुर ने पलामू पुलिस के अधिकारियों को बताया कि 2014 में वो नक्सल संगठन में शामिल हुआ था। उसकी पत्नी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में थी। टॉप माओवादी कमांडर राजेश भुइयां उसके गांव में आता था। कैंसर के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। पैसों की लालच में वो नक्सली संगठन में शामिल हो गया, लेकिन उसका शामिल होना सफल नहीं हुआ क्योंकि नक्सलियों ने उनकी कोई मदद नहीं की। बाद में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई थी। राजेश पलामू के नावा बाजार थाना क्षेत्र के तुकबेरा का रहने वाला बताया जाता है। राजेश पर झारखंड और बिहार में एक दर्जन से अधिक नक्सली हमले का अंजाम देने का आरोप है। इधर सरेंडर करने के बाद संतु भुइयां को 5 लाख एवं राजेश ठाकुर को 1 लाख का चेक दे दिया गया।